नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन के एटोमाइजर, एटोमाइजर होता है जैसे आप स्प्रे पंप जो भी यूज करते हो, जैसे कोलिन हो गया, कोलिन का पंप होता है स्प्रे करने वाला, उसको बोलते हैं एटोमाइजर। तो दिस इज आल्सो बेस्ड अपॉन द बर्नौलीज थ्योरम। एटोमाइजर भी बोलते हैं, स्प्रेयर भी बोलते हैं। This is also based upon Bernoulli's theorem. ठीक है? तो normally क्या होता है, यहाँ पे एक rubber balloon लगा है। आजकल क्या है, आजकल तो button वगैरह आ गए, है ना, ऐसे press किया तब भी spray जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, पहले क्या होता था, एक rubber का balloon लगा होता था, rubber ठीक है, और यहां से स्प्रे बाहर निकलती है। हम रबर बैलून को प्रेस करते थे, जैसे छोड़ते थे तो यहां से जो लिक्विड रहता था, ये पाइप है, उसमें भी आपने देखा होगा अंदर एक पाइप होती है, ठीक है, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए रबर बैलून को प्रेस करते थे, ठीक है, तो सारी हवा बाहर निकल जाए, जैसे इसको ओपन करते थे लिक्विड ऊपर आ जाता था, फिर हम इसको प्रेस करते थे, फिर वो लिक्विड बाहर निकल जाता था। तो इसको बोलते हैं एटमाइजर, इज जनरली यूज्ड इन परफ्यूम एंड डिओड्रेंट बॉटल्स। व्हेन द रबर बैलून इज प्रेस्ड, एयर पासेस विद लार्ज वेलोसिटी ओवर द ट्यूब डिपिंग इन द लिक्विड। ड्यू टू दिस प्रेशर ओवर द ट्यूब डिक्रीजेस, इट मेक द लिक्विड राइज अप इन द ट्यूब। ड्यू टू दिस अप्लाइड प्रेशर द एयर रशिंग आउट विद लार्ज वेलोसिटी फ्रॉम बैलून इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे। लिक्विड जो आ जाएगा वो एयर के साथ बाहर निकलेगा और इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे। तो हमने यहाँ से प्रेस किया लिक्विड, जैसे प्रेस किया यहाँ से एयर वैक्यूम आ गया यहाँ पे, यहाँ से लिक्विड ऊपर राइज हो जाएगा, इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा। जैसे हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे, ठीक है, तो एयर, एयर के साथ वो लिक्विड जो होता है स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा छतें उड़ जाती हैं, जब कई बार होता है तूफान चलता है तो घर की छतें जो है वो उड़ जाती हैं, ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ द हाउसेस। कब उड़ती हैं, जब बहुत ज्यादा तूफान हो, जब बहुत ज्यादा तूफान हो, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी विंड ब्लोइंग ओवर द रूफ। जैसे घर की छत है नॉर्मल, इस तरह से छत होती है, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जब हाई वेलोसिटी विंड आ रही है वो इधर टकराएगी, उसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो ऐसे ऊपर जाएगी और ऐसे चली जाएगी। उससे क्या होगा, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर छत का, अंदर घर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर का प्रेशर हाई वेलोसिटी विंड के कारण क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, घर के अंदर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, छत जो है वो उड़ जाती है, समझ गए। तो दिस इज ब्लोइंग ऑफ द रूफ ऑफ हाउसेज,
This is because high velocity wind blowing over the roof, the pressure above the roof decreases and the atmospheric pressure below the roof is greater than the pressure above the roof. The roof gets lifted and blow away with the wind. ये ऊपर को उठेगी छत और विंड के साथ क्या है वो, तो ब्लोइंग ऑफ में क्या है, फास्ट मूविंग विंड आ रही है, छत के साथ टकरा रही है, छत के ऊपर प्रेशर कम हो जा रहा है, नीचे अंदर प्रेशर ज्यादा है, जिसके कारण जो रूफ है वो क्या होगा, ऊपर निकलेगी और हवा के साथ ही चली जाएगी। थर्ड है, आप क्रिकेट खेलते हो है ना, स्पिनिंग ऑफ बॉल, फेंकता वो इधर है, जाती वो उधर है, चप्पा खाने के बाद क्या होता है, बॉल दूसरी साइड जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पिनिंग ऑफ बॉल। तो स्पिनिंग ऑफ बॉल में क्या है, लेट ए बॉल मूविंग टू द राइट, वी गिवन ए स्पिन एट द टॉप ऑफ द बॉल, ठीक है, हमने बॉल के टॉप पे क्या किया, उसको ऐसे, स्पिनर क्या करता है बॉल को कैसे घुमाता है, वो ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे ही होता है ना, तो बॉल को उसने क्या किया, हमने क्या बॉल को कहां लेके जाना, लेट द बॉल टू राइट, ठीक है, वी गिवन द स्पिन एट द टॉप ऑफ द बॉल, द वेलोसिटी ऑफ द एयर एट द टॉप इज हायर देन द वेलोसिटी ऑफ एयर बिलो द बॉल। ये गेंद है, इसके ऊपर अब जब उसको हमने स्पिन किया, ठीक है, तो क्या होगा, यहां टॉप ऑफ बॉल पे क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी किसकी, एयर की, ठीक है, वो हाई हो जाएगी और नीचे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण बर्नौली थ्योरम के अनुसार प्रेशर अबव द बॉल इज लेस, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी एयर की वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नीचे, ठीक है, वेलोसिटी कम है एयर की तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके कारण बॉल क्या होगा, ऊपर की तरफ को उछलेगी, जिसके कारण बॉल क्या है, ऊपर की तरफ को उछलेगी, thus there is a net upward force on the spinning ball so that ball follows curved path, जिसके कारण बॉल जो है हमने ऐसे फेंकी और बॉल जाके यहां जाती, यहां पे क्रिकेटर खड़ा है, यहां विकेट के साथ वो स्ट्राइक करेगी या क्रिकेटर उसको हिट कर देगा। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि जैसे हम बॉल को स्पिन करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, बॉल के ऊपर जो वेलोसिटी है किसकी, एयर की, वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और बिलो द बॉल वेलोसिटी ऑफ एयर इज लेस, जिसके कारण ऊपर प्रेशर, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऊपर बॉल के ऊपर प्रेशर कम होगा और उसके कारण क्या होगा, एक नेट फोर्स जो है वो बॉल के ऊपर, नेट अपवर्ड फोर्स जो है वो बॉल के ऊपर लगती है, स्पिनिंग बॉल के ऊपर लगती है एंड बॉल फॉलो द कर्व्ड पाथ। यहां से वो फेंक रहा है, उसने इधर को फेंकी और बॉल ऐसे कर्व्ड पाथ लेगी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। कई बार होता है आप रेलवे स्टेशन के पास खड़े हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास खड़े हो, ये रेलवे स्टेशन है, यहां पे कोई खड़ा है और यहां से फास्ट मूविंग ट्रेन जाएगी, फास्ट मूविंग ट्रेन, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप ट्रेन की तरफ को गिरोगे, बहुत ज्यादा चांसेस क्या है, अब ट्रेन जब चल रही है तो अपने साथ बहुत हाई वेलोसिटी विंड हवा उसके साथ चलती है, जब ट्रेन पास से निकलेगी ना, यहाँ की तो ट्रेन स्लो चलती है, ठीक है, पर दूसरी ट्रेन जो बुलेट ट्रेन वगैरह है, तो उसके बगल में अगर आप यहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन बड़ी फास्टली निकल रही है, तो ट्रेन के साथ जो एयर होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बड़ी ज्यादा हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी एयर की कम होगी, जिसके कारण वही बर्नौलीज़ की थ्योरम कि जैसे छत ऊपर को उड़ी थी, वैसे ही आप मान लो कि ये भी आदमी क्या होगा, किस तरफ को जाएगा, ट्रेन की तरफ को, ठीक है ना, तो रेलवे स्टेशन पे अगर आप खड़े होते हैं तो काफी दूर खड़े हो, अगर फास्ट मूविंग ट्रेन आ रही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके ट्रेन की तरफ गिरने के चांसेस और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये लिखा है, ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द रेलवे स्टेशन ट्रैक इज पुल्ड टुवर्ड्स द ट्रेन व्हेन द फास्ट मूविंग ट्रेन पासेस क्लोज टू हिम द फास्ट मूविंग ट्रेन डिक्रीजेस द प्रेशर बिटवीन द पर्सन एंड द ट्रेन ड्यू टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ द प्रेशर
on the other side of the person gets pushed toward the railway track. उससे अगला क्वेश्चन है कि जैसे आप कार वगैरह देखते हो, कारों की शेप कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन की शेप भी इस तरह से होता है, मुंह उसका ऐसे होता है ना, तो इनकी शेप को स्ट्रीमलाइन क्यों किया जाता है, इनकी शेप को स्ट्रीमलाइन क्यों किया जाता है, कार ट्रेन एंड एरोप्लेन्स आर स्ट्रीमलाइन्ड, ठीक है, कार एरोप्लेन आर स्ट्रीमलाइन्ड टू डिक्रीज द विस्कस ड्रैग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जैसे इस तरह, अगर इस तरह की शेप होगी अगर एरोप्लेन की, तो फोर्स यहां लगेगी, उसको यहां से यहां आने में दिक्कत होगी। अब स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता है जिसके कारण एयर जो आती है वो सीधे इधर चली जाएगी, एयर जो आएगी सीधे इधर चली जाएगी, जिसके कारण जो विस्कस ड्रैग है या विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। विस्कोसिटी का एक तरह का फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स या लिक्विड एंड गैसेस। जब हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, बसेस बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं गैसेस की, ठीक है, कई जगह पे हम बात किसकी करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। कि अगर कोई लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो वो लिक्विड क्या बन जाता है, टर्बुलेंट, ठीक है, लिक्विड बिकम्स टर्बुलेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू सेटिस्फाई द बर्नौलीज थ्योरम। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू सेटिस्फाई द बर्नौलीज थ्योरम। द कंडीशंस मैंने कल हमने डिस्कस की थी, लिक्विड जो है नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, साथ में फ्लो जो है लिक्विड का कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन लिक्विड पासेस थ्रू कॉन्ट्रैक्शन ट्यूब। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, व्हाट डज स्पीड ऑफ लिक्विड, तो स्पीड ऑफ लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन ट्यूब का मतलब है कुछ इस तरह से, एक एंड बड़ा है दूसरा एंड छोटा है, ठीक है, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या किया था हमने, ए इंटू वी इज इक्वल टू, ये पढ़ा था हमने, है ना, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ये किया था इक्वेशन ऑफ, घर में किताब खोली होगी तब तो पता होगा। तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट हैपन्स टू द एक्सटर्नल एनर्जी मेंटेनिंग द फ्लो ड्यूरिंग द टर्बुलेंट फ्लो। व्हाट हैपन्स टू द एक्सटर्नल एनर्जी मेंटेनिंग द फ्लो ड्यूरिंग द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा तो एक्सटर्नल एनर्जी के साथ क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी जो होती है वो यूज होती है सेटिंग अप एडहेसिव इन द लिक्विड। ठीक है, ये लिखवाया क्वेश्चन नहीं है, व्हाट हैपन्स टू द एक्सटर्नल एनर्जी मेंटेनिंग द फ्लो ड्यूरिंग द टर्बुलेंट फ्लो। तो मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी मेंटेनिंग द टर्बुलेंट फ्लो गेट्स यूज्ड इन सेटिंग अप एडहेसिव इन लिक्विड। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वैक्यूम ब्रेक। वैक्यूम ब्रेक क्या होते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टॉप द ट्रेन इन केस ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी में ट्रेन में एक ब्रेक लगी होती है, उस वो ब्रेक कैसी होती है, वैक्यूम ब्रेक होती है। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप द ट्रेन द स्टेम एट हाई प्रेशर इज मेड टू एंटर थ्रू ए पाइप इन टू द सिलेंडर ऑफ वैक्यूम ब्रेक। ड्यू टू दिस प्रेशर डिक्रीजेस एंड पिस्टन ऑफ द ब्रेक गेट्स लिफ्टेड विच थ्रू ए मैकेनिकल सिस्टम लिफ्ट। ठीक है, तो ट्रेन के अंदर जो वैक्यूम ब्रेक रहती है, वो वैक्यूम ब्रेक के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड रहता है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी में आप ब्रेक लगाते हो, एकदम से वो लिक्विड जो होगा वो पाइप के मैकेनिकल सिस्टम होगा उसके अंदर, पाइप के थ्रू वो चला जाता है, जिसके कारण जो है पिस्टन जो होता है टायर के अंदर लगे रहते हैं, वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रेन जो है वो रुक जाती है। पर ये एक प्रॉपर मैकेनिकल सिस्टम होता है, बस आपने इतना याद रखना है, प्रेशर की बात याद रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट इज बंसन बर्नर है नहीं है नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस टेंशन दिस इज चैप्टर 6 अब सरफेस टेंशन आपने नॉर्मली ये एग्जांपल अपने डेली लाइफ में आप देखते हो सुबह सुबह आप देखते हो कि जो पत्ते रहते हैं पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें गिरी हों ठीक है तो पत्ते को आप ऐसे ही भी करोगे तब भी बूंद नीचे नहीं गिरती है होता है गोल गोल बूंदें हो अगर पत्तों के ऊपर तो बूंद जो नीचे नहीं गिरती है जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा रहा हूँ तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा पानी पहले फैल गया उसके बाद ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा सरफेस के ऊपर जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी फेंकूँ थोड़ा 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 ये क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये सिकुड़ेगा दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन क्या है तो इससे सरफेस टेंशन करने से पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ठीक है What do you mean by intermolecular forces? The intermolecular, the force of attraction between the two molecules of a substance are called intermolecular. What is the range of intermolecular forces? The range, it is the minimum distance up to which a molecule can attract another molecule is called range of intermolecular forces. कि वो minimum distance जहां तक एक molecule जो है वो दूसरे molecule को अपनी तरफ attract कर सके उसको बोलते हैं range of intermolecular फोर्सेज अब टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज दो तरह की होती है वन इज कोहेसिव फोर्स एंड अनदर इज एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स क्या होती है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस अगर सब्सटेंसेस हमारे दोनों सेम हैं तो फोर्सेज कैसी होंगी कोहेसिव फोर्सेज होंगी एडहेसिव फोर्सेज क्या होंगी कि एग्जांपल ले लो कोहेसिव फोर्स का इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द ड्रॉप ऑफ मर्करी इनटू स्मॉल पीसेस मर्करी का एक पीस ले लो उसको आप तोड़ना चाहो वो कभी नहीं एकदम से वो सारे पीस आपस में क्या होता है जुड़ जाते हैं वापस एडहेसिव फोर्सेस क्या हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अगर दोनों सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं सेम सब्सटेंसेस हैं तो फोर्स कैसी होगी कोहेसिव फोर्स होगी अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं तो फोर्स कैसी होगी एडहेसिव फोर्स होगी एडहेसिव फोर्स में आप देख सकते हो आप गोंद कागज के साथ किसी चीज को चिपकाना चाहते हो आप गम का यूज करते हो ठीक है आप अपने कागज के ऊपर लिख रहे हो विद द इंक तो इंक कागज के साथ क्या होता है चिपक जाती है तो इंक इज डिफरेंट सब्सटेंस कागज इज डिफरेंट सब्सटेंस तो उन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कैसी होगी एडहेसिव फोर्स होगी उसके बाद आता है मेन हमारा जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन क्या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड बिहेव्स एज इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इलास्टिक जो खींचती है फिर वापिस आ जाती है ठीक है स्ट्रेच्ड खींची हुई ठीक है और मेम्ब्रेन पतली सी लेयर तो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसके कारण लिक्विड जो है इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है
विद ए टेंडेंसी, साथ में उसके पास कैपेसिटी होते टू कॉन्ट्रैक्ट टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, वो मिनिमम सरफेस एरिया जो उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, तो इट इज द प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द लिक्विड बिहेव्स एज व्हाट, इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन विद ए टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, ठीक है, जब वो सिकड़ेगा तो मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। अच्छा यूनिट्स क्या होते हैं सरफेस टेंशन के, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, लेंथ के क्या होते हैं मीटर, सीजीएस में क्या होंगे डायन पर सेंटीमीटर, तो ये यूनिट होते हैं सरफेस टेंशन के, ठीक है। सरफेस टेंशन को हम लिखते हैं कैपिटल टी से, सरफेस टेंशन को लिखते हैं हम कैपिटल टी से, और इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है टी इज इक्वल टू एफ अपॉन टू एल, ठीक है। हाउ सरफेस टेंशन कैन बी मेजर्ड, सरफेस टेंशन को कैसे मेजर किया जा सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ और इमेजिनरी लाइन ऑन ए लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर टू द आइदर साइड एट एवरी पॉइंट, सरफेस टेंशन को कैसे मेजर करते हैं हम, आपको लिक्विड ले लीजिए किसी कंटेनर के अंदर, इस लिक्विड का क्या आ गया सरफेस आ गया, आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से सरफेस के ऊपर, ठीक है, और फिर तो एक एल हम इधर लेते हैं एक एल हम इधर लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए टी जो होता है टी को कैसे लिखते हैं हम, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन टू एल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी जो है वो ग्लास को वेट क्यों नहीं करती है, ग्लास को गीला क्यों नहीं करती है, ग्लास के साथ क्यों नहीं चिपकती है, मरकरी जो है जैसे आपके थर्मामीटर होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है मरकरी होता है, ठीक है, जैसे आप मुंह के अंदर थर्मामीटर लगाते हैं तो मरकरी क्या होता है ऊपर की तरफ को इंक्रीज होता है और आपका टेम्परेचर आपको बताता है, ठीक है, तो बोलते हैं मर्करी जो है वो ग्लास जो है उसको वेट क्यों नहीं करता, ये मर्करी डज नॉट लिंक टू ग्लास, मर्करी ग्लास के साथ क्यों नहीं चिपकता है, बिकॉज द फोर्स ऑफ एडेशन, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडेशन द बिटवीन द मर्करी एंड ग्लास इज मच लेस देन द फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन मर्करी मॉलिक्यूल, मर्करी मॉलिक्यूल के बीच में जो खुद के बीच में जो मर्करी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी खुद की फोर्स कैसी होगी, कैसी होगी एडहेसिव फोर्स होगी कोहेसिव होगी, कोहेसिव होगी, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कौन सी होती है कोहेसिव होती है, और मर्करी और ग्लास के बीच में कौन सी फोर्स होगी एडहेसिव होगी, जो एडहेसिव फोर्स है मर्करी और ग्लास के बीच में वो कम होती है देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मर्करी मॉलिक्यूल्स, इसलिए मर्करी जो है वो ग्लास के साथ चिपकता नहीं है। Why does free surface of liquid behave like stretched membrane? बोलता कोई भी लिक्विड है उसका फ्री सरफेस, आपने कहीं भी पानी गिरा दिया तो वो पानी जो होगा बाहर निकाल दो ध्यान कहां है, कहां है ध्यान,
तेरे नोट्स कहाँ हैं? तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन? सरफेस जो लिक्विड का मेम्ब्रेन की तरह बिहेव क्यों करता है? बिकॉज द लिक्विड मेम्ब्रेन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंसेस इनवर्ड फोर्स. जैसे ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर आपने लिक्विड कोई गिरा दिया, जैसे कोई पानी गिरा दिया. जैसे आप देखते होंगे, जो आप देखते खाते भी हैं, पतरोड़े खाते हैं ना, उसके पत्तों के ऊपर अगर आप पानी फेंकें तो उसकी जो बूंदें होती हैं वो कैसे गोल गोल की शेप में आ जाती है. अगर पत्ते को आप हिलाओगे तो बूंद इधर से उधर चली जाएगी पर नीचे नहीं गिरती है. ठीक है, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो वो जो है मिनिमम सरफेस एरिया जो है ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. तो लिक्विड मेम्ब्रेन जो है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस इनवर्ड फोर्स ड्यू टू विच फ्री सरफेस ट्राइज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया. इसलिए वो बूंदे कैसी बन जाती है, एकदम से गोल. अदरवाइज उसको क्या होना था, पत्ते के ऊपर उस पानी अगर हमने फेंका, फर्श के ऊपर फेंकते तो फैल जाता है. ठीक है, पर पत्ते के ऊपर अगर आप देखोगे तो पानी कैसे होगा, बिल्कुल गोल बूंद सी बन जाती है. आप पत्ते को ऐसे कर दो बिल्कुल टिल्ट जब तक नहीं करोगे तब तक वो बूंद नहीं गिरेगी. इधर से उधर वो मूव करेगी उसके ऊपर पर वो गिरेगी नहीं. ठीक है, तो दैट इज वही है कि वो बिहेव करता है लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. अब देखो, व्हाई डज द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल? जो बारिश की बूंदे होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है? कि जो फ्री सरफेस है इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस. सभी का आंसर एक ही होगा, इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया. ठीक है, एंड द एरिया ऑफ स्फेयर इज ऑलवेज मिनिमम. स्फेयर का एरिया क्या होता है, सबसे कम होता है. इसलिए रेन ड्रॉप्स जो है वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल इन शेप होती है. तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर? तो स्फेरिकल इसलिए होते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं उनका फ्री सरफेस जो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. और मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है. इसलिए जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं. व्हाई स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर स्फेरिकल इन शेप व्हाइल बिग ड्रॉप्स आर फ्लैट? छोटी से छोटी आप ड्रॉप ले लोगे किसी लिक्विड की, वाटर की ले लो या किसी चीज की ले लो, वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी. ठीक है, वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी. जैसे आप एक बूंद पानी के लेके नीचे गिराओगे तो उसकी शेप आप ऑब्जर्व करोगे तो दैट विल बी स्फेरिकल. पर जो अगर बड़ी बूंद है, बड़ा थोड़ा ज्यादा पानी आपने गिरा दिया तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम से फ्लैट हो जाएगा. वो भी कोशिश करता है टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, पर वो उसकी शेप कैसी होगी, फ्लैट होगी. छोटी बूंद होगी तो वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी. अब आप क्या करते हो, डिटॉल लगाते हो. जब आपको कट लग जाए, चोट लग जाए तो आप क्या करते हो, क्या यूज करते हो, एंटीसेप्टिक यूज करते हो. उसमें एंटीसेप्टिक में कॉमन नेम है क्या है, डिटॉल. तो अगला क्वेश्चन क्या है, द एंटीसेप्टिक यूज फॉर कट एंड बाउंड्स इन द ह्यूमन बॉडी हैव लो सरफेस टेंशन, व्हाई? अब हो क्या रहा होता है कि जो बाउंड है, जो चोट है, वहां से क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है. और एंटीसेप्टिक का काम सिर्फ इतना होता है कि उस ब्लड को बाहर निकलने से रोकना होता है, वो और कोई काम नहीं करता है. उसका काम क्या है, ब्लड को रोकना होता है बॉडी से बाहर निकलने से. तो एंटीसेप्टिक जो होगा वो, उसका क्वेश्चन में क्या है कि लो सरफेस टेंशन होती है. क्यों? बिकॉज ड्यू टू लो सरफेस टेंशन एंटीसेप्टिक क्या करेगा, जो भी आपकी चोट है, जो भी आपका कट है, उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिसके कारण आपका ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाती है. बिकॉज ड्यू टू लो सरफेस टेंशन एंटीसेप्टिक फॉर्म्स ए थिन लेयर ऑन द वाउंड्स एंड स्टॉप्स द ब्लीडिंग. इतना सा काम है एंटीसेप्टिक का. हम लोग जरा से चोट लगते हैं, डिटॉल लगा लो. डिटॉल का काम है ब्लड को रोकना. अगर ब्लड नहीं निकल रहा, डिटॉल लगाने का कोई फायदा नहीं है. वहां पर फिर बीटाडीन लगानी पड़ेगी.
समझ गए ना, हील करेगी बीटाडीन, डिटॉल कुछ नहीं करेगा। डिटॉल हम कई बार होते हैं शेव में, शेव कर रहे होते हैं, कट लग जाता है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा डिटॉल लगा लेते हैं। डिटॉल से क्या होगा, इतना सा काम होगा कि जो ब्लड निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो डिटॉल जो है वो क्या करेगा, उस बाउंड के ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेगा जिससे ब्लड बाहर निकलना रुक जाएगा, ठीक है, और उस जख्म को हील क्या करेगा, और कोई मेडिसिन करेगी। डिटॉल हील नहीं करता है, ठीक है, डिटॉल का इतना सा काम है वो सिर्फ ब्लड को बाहर निकलने से रोक देगा। उसमें कोई जर्म्स हैं उनको क्लीन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हाँ जी डिटॉल लगा लो, बोलते हैं ना डिटॉल से साफ कर दो इसको, ठीक है, डिटॉल का वो काम है ही नहीं है। एंटीसेप्टिक का काम टू स्टॉप ब्लड ओनली, समझ गए। उसके बाद कोई और मेडिसिन जैसे बीटाडीन होती है, और कोई मेडिसिन, हल्दी लगा सकते हो आप, ठीक है, वो कई लोग क्या करते हैं चोट लगती है तो मिट्टी लगा लेते हैं, ठीक है, मिट्टी क्या करेगी कुछ देर के बाद जो ब्लड जो होगा उस मिट्टी के अंदर सेट हो जाएगा। कई क्या करते हैं, अगर कारपेंटर देखो वो बुरादा लगा लेते हैं लकड़ी का, ठीक है, पेंटर को देखो तो वो चूना लगा लेता है, ठीक है, अगर किसी और कोई और प्रोफेशन का है वो अपने वाली कई फेविकोल ही लगा लेते हैं लकड़ी वाले जो होते हैं, ये मैंने अभी देखा जो कारपेंटर लगे हुए थे, ठीक है। तो मेन काम उसका क्या कि ब्लड निकलना बंद हो जाए, तो उससे सबसे बढ़िया चीज क्या, डिटॉल है या एंटीसेप्टिक है, ठीक है, एंटीसेप्टिक लगाओ तो ब्लीडिंग जो एकदम से रुक जाती है। अगर बड़ी ज्यादा हो रही हो तो फिर वो लगा के रुई लगा के फिर ऊपर से बैंडेज करनी पड़ती है, अगर बड़ी ज्यादा कट हो, छोटा मोटा कट हो तो डिटॉल से रुक जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा कट हो तो वो उससे रुकेगा नहीं ब्लड। अच्छा, अब देखते हैं, आप सोल्डरिंग करते हैं लोग, सोल्डरिंग होता है कि जैसे मैकेनिक दो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक होते हैं, वो आप देखो किसी चीज किसी वायर को जोड़ना हो किसी बोर्ड के ऊपर तो वो क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं, सोल्डरिंग आयरन लेते हैं और एक फ्लक्स लेते हैं और एक आपको लगेगा सिल्वर की वायर, वो सिल्वर की नहीं होती है, टिन की वायर होती है, ठीक है, सोल्डरिंग में टिन की वायर यूज होती है और एक फ्लक्स यूज होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं जब भी सोल्डरिंग करनी हो पहले तो सोल्डरिंग आयरन जो उसको गर्म करते हैं, ठीक है, फिर इस टिन की वायर को इस फ्लक्स के अंदर डिप करते हैं, फिर उस वायर को लेते हैं और इससे करते हैं और यहां पे क्या कर देते हैं, आपने देखा है नहीं देखा है, देखा होगा कहीं, ने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में गए हैं, लड़कियों ने नहीं देखा होगा, है ना, देखा है नहीं। सोल्डरिंग का मतलब होता है जैसे आपके जितने सर्किट बने होते हैं उसमें वायर्स वगैरह इधर से उधर जोड़ी होती हैं, तो वो एक पैटर्न रहता है, उस पैटर्न से टिन की वायर होती है, एक फ्लक्स होती है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको वायर को डिप करते हैं, डिप करने से क्या होता है, फ्लक्स जो होती है जो टिन की वायर है वो इजिली मेल्ट हो जाती है, और फ्लक्स एड करने से क्या होता है, वो जो टिन है वो सोल्डरिंग आयरन की टिप से नीचे नहीं गिरता है, फ्लक्स क्या करती है उसकी सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण टिन की जो ड्रॉप होगी वो इस सोल्डरिंग आयरन की टिप बहुत पतली सी होती है, उससे गिरती नहीं है। तो जैसे मैं ऐसे करूंगा, मैंने ऐसे किया और मैं ऐसे लगाने लगूंगा तो वो नॉर्मली क्या होगा, ड्रॉप गिर जाएगा, पर ये करने से क्या होता है, ड्रॉप गिरता नहीं, और जहां पे मेरे को उसको लगाना है मैं वहां पे उसको लगा सकता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द एडिशन ऑफ फ्लक्स टू टिन, लिखिए द एडिशन ऑफ फ्लक्स टू टिन मेक्स एडिशन ऑफ फ्लक्स टू टिन मेक्स सोल्डरिंग प्रोसेस वेरी इजी एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, लिखे, when flux is added to molten tin, it decreases the surface tension
when flux is added to molten tin, it decreases the surface tension of molten tin due to which molten spreads over the surface. See, the over the molten tin easily. अगला क्वेश्चन है, द पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स हैव, चेक करिए है ये, द पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स हैव लो सरफेस टेंशन, व्हाई? जो पेंट होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, उनके सरफेस टेंशन कम क्यों होती है? तो लो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, पेंट्स और लुब्रिकेंट्स जो हैं, वो दीज स्प्रेड ओवर लार्ज सरफेस, दीज स्प्रेड ओवर लार्ज सरफेस, ठीक है? तो पेंट्स और लुब्रिकेंट जो है उनकी लो सरफेस टेंशन क्यों लेते हैं हम, जिसके कारण, अब पेंट है हम करते हैं तो लो सरफेस टेंशन होती है, जिसके कारण पेंट जो ज्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है? तो अच्छा पेंट वो होगा जिसकी सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन के, ठीक है? पहला एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक ब्रश ले लो, ब्रश, पेंट का ब्रश ले लो, उसको पानी के अंदर डिप करो, जैसे आप उसको बाहर निकालोगे तो ब्रश ब्रश के जो बाल रहते हैं वो क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं, ऐसे हो जाएगा वो, ऐसे ब्रश, सूखा ब्रश ऐसे होगा, पर जब पानी से डिप करोगे, जब बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। तो दैट इज ड्यू टू, क्या हुआ, पानी जो है वो क्या करेगा, इट इज, इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सर्फेस एरिया ड्यू टू सर्फेस टेंशन, ठीक है? उसके कारण उसकी शेप जो होगी कुछ ऐसे हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हो, आप खुद इसको देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि लिक्विड जो होते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में जो लिक्विड होते हैं और जो फ्री होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एटसेट्रा आर फाउंड स्फेरिकल इन शेप। वो किस शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो ऐसा क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है? फॉर ए गिवन वॉल्यूम द स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया और लिक्विड अज्यूम टू शेप ऑफ ड्रॉप विल हैव मिनिमम सरफेस एरिया। सिंपल है, सभी में एक ही आंसर है, ट्राइज टू, अगर स्फेरिकल क्यों है तो इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है? और सरफेस एरिया स्फेयर का जो है सबसे कम होता है, इसलिए ड्रॉप्स वगैरह जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल इन शेप होती हैं। अच्छा, स्मॉल इररेगुलर पीसेज ऑफ कैंफर, कैंफर क्या होता है, कपूर, शाइनी कपूर नहीं, यहां कौन सी कपूर है, रितिका कपूर है, रितिका कपूर नहीं, कैंफर, ठीक है? स्मॉल इररेगुलर पीसेज ऑफ कैंफर आर फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्योर वाटर, इट डज नॉट रिमेन स्टेडी बट डांसेस ओवर द सरफेस। कैंफर ले लो, किसी लिक्विड के ऊपर कैंफर की गोल गोल गोलियां नहीं जो मार्केट में पैक्ड मिलती हैं, एक कपूर का टुकड़ा ले लो, उसको तोड़ लो, उसको अगर आप पानी के ऊपर रखोगे, पानी के ऊपर फेंकोगे तो वो फिक्स नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, लिक्विड के ऊपर या वो वाटर के ऊपर क्या क्या डांस करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे उछलना कूदना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इररेगुलर शेप्ड कैंफर डिजॉल्व्स इन द वाटर अनइक्वली, इररेगुलर शेप्ड कैंफर
dissolved in water irregularly. Which decreases the surface tension of water? Which decreases the surface tension of water? Due to this, some unbalanced force act on camphor, due to which some unbalanced force act on camphor and it dances on the surface. तो आज के लिए इतना ही. इन क्वेश्चंस को